वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको देसी घी कब और कैसे अपने चेहरे पर लगाना है, इसको लगाने का सही तरीका कौन सा है। जो मैं टिप्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ये किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताए होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी। मैं ना कि आपको ये बताऊंगी कि आपको घी को कैसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, बल्कि मैं आपको अप्लाई करके लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको अमेजिंग टिप्स मिलेंगे कि घी को कैसे और कब अपने फेस पर लगाना है। जैसे कि देसी घी हर एक की किचन में अवेलेबल होता ही है, बट आप इसे खाने में यूज करते हैं। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको देसी घी कैसे अपने चेहरे पर लगाना है, इसका सही तरीका कौन सा है। अगर आप महंगे से महंगा ट्रीटमेंट भी करवाते हो, आपको उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि देसी घी लगाने पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है, नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर भी करना। अब बात कर लेते हैं कि घी कितने टाइप का होता है। घी मोस्टली देसी घी दो तरह का होता है, एक भैंस का घी और गाय का घी। मैं यहाँ पर भैंस का घी यूज़ कर रही हूँ, ये हमारे घर का शुद्ध देसी प्योर घी है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो भैंस का घी होता है वो वाइट कलर का होता है, और जो काऊ का घी होता है गाय का, वो थोड़ा हल्के पीले रंग का होता है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी देसी घी अवेलेबल है, आप उससे ही अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, और इसे अप्लाई कैसे करना है अब आप वो देख लीजिए। घी को अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए किसी फेस वॉश की हेल्प से। आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं लाइव कि मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जब भी अपने फेस पर घी अप्लाई करना है, वो एकदम से शुद्ध और प्योर होना चाहिए, चाहे वो भैंस का घी हो चाहे वो गाय का। बट जैसे कि मार्केट वाले घी, आपको पता ही है कि बहुत सारी मिलावट होती है उसमें, आपको उसे अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए शुद्ध देसी घी ही अप्लाई करें। अब आपको इसे किसी बाउल में निकाल लेना है थोड़ा सा घी, और इसे अपनी फिंगर पर लेकर ऐसे डॉट डॉट कर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने फेस पर, ऐसे पहले डॉट डॉट करके लगा लीजिए। आपको जितना भी घी अपने फेस पर अप्लाई करना है, जितनी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ इतनी बेस्ट है, ना ही जे ज़्यादा है और ना ही जे कम। आप भी इतनी क्वांटिटी ही लें और इस तरह से अपने फेस पर लगा लीजिए। अब आपको इसका क्या करना है आप वो भी ध्यान से देख लीजिए। अब आपको इस घी की करनी है मसाज। आपको इस तरह से राउंड शेप में धीरे धीरे इस घी की 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है। अगर आप और भी अच्छे अच्छे और इफेक्टिव नेचुरल हेयर पैक, फेस पैक देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार जो चेक कर लें आपके सब्सक्राइब का बटन रेड है या फिर ग्रे। अगर रेड है तो उसे क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफेक्टिव रेमेडीज देखने के लिए। और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताजो में जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आपको जस्ट और जस्ट 1 से 2 मिनट ही अपने फेस को मसाज करनी है, ज़्यादा फेस मसाज नहीं करनी है। आपको घी को अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाज कर ली है 1 से 2 मिनट तक। आपको घी को स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होने देना है, जस्ट
आपको घी को अपने फेस पर लगा रहने देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि घी मेरे फेस पर अभी तक भी लगा हुआ है मसाज करने के बाद भी। आपको भी इसी तरह से अपने फेस पर घी को अप्लाई करना है और इसी तरह 1 से 2 मिनट मसाज करनी है। आप देख सकते हैं कि घी मेरे फेस पर लगा हुआ है। अब आपको इस घी को ऐसे ही लगा रहने देना है 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस रेमेडी को नाइट टाइम अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हो तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप दिन में भी इसे अप्लाई करना चाहते हो तो अपने फेस पर ऐसे घी लगाकर छोड़ दीजिए और 3 से 4 घंटे बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। घी लगाने से हमारी स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, आपके पुराने से पुराने दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के निशान हैं, अगर आप रेगुलर 7 दिन तक इस तरह अपने फेस पर घी लगा लोगे तो आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप घी अप्लाई करना चाहते हो अपने फेस पर तो आप आज की पिक क्लिक करके रख लें और 7 दिन बाद आप घी अप्लाई करने के बाद पिक क्लिक कीजिए अपनी और डिफरेंस देखिएगा। अब आपको घी को कैसे रिमूव करना है आप वो भी देख लीजिए। आप जब भी अपने फेस पर घी अप्लाई करें तो आपको घी अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली अपने फेस को वॉश नहीं करना है। आपको एक टिश्यू पेपर या फिर कॉटन की हेल्प लेकर अपने फेस से सारे घी को रिमूव कर लेना है। जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव, इसको रिमूव करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद ही आप अपने फेस को वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नाइट टाइम इसे अप्लाई करके सोओगे अपने फेस पर तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलने वाला है। आप नाइट टाइम सोने से पहले 2 से 4 घंटे पहले इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए और जब आप सोने वाले हो तब आप टिश्यू पेपर की हेल्प लेकर अपने फेस को क्लीन कर लीजिए ताकि जो घी आपके कपड़ों पर ना लगे, और मॉर्निंग उठने के बाद ही आप अपने फेस को वॉश कीजिएगा और रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको ये घी इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है कि आप महंगे से महंगा फेशियल भी अगर पार्लर जाकर करवाते हो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि ये घी लगाने के बाद आपको मिलने वाला है। शुद्ध देसी घी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग क्वालिटी है। हाइड्रेट मीन्स हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, नमी को बरकरार रखता है। सर्दियों में अगर आपकी स्किन का कलर हो गया है डार्क धूप में बैठने की वजह से, जहाँ आपकी स्किन हो गई है डल और बेजान, तो आप आज से ही इस तरह से देसी घी को लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर फेस पर डार्कनेस है, ब्लेमशेज है, पिंपल्स के कारण चेहरे पर निशान आ गए हैं, या फिर आपको कोई पुरानी चोट लगी है उसका निशान है, या फिर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, ब्लेमशेज हैं, किसी भी तरह के कोई भी दाग धब्बे हैं, अगर आप इस तरह से घी लगाएंगे तो आपका फेस एकदम से क्लियर और क्रिस्टल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको डेली दिन में एक बार इस तरह से घी को अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप चाहे दिन में अप्लाई करें या फिर रात में, आप 7 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आपके फेस पर एक अलग ही चमक आई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना पैसे खर्च किए ही आपकी स्किन मेरी स्किन की तरह एकदम से टाइट, ब्राइट और वाइट हो जाए तो आज से ही घी को लगाना स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।